अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल में छात्र समाज के नवन्ना मार्च को लेकर इस समय बवाल मचा हुआ है। छात्र समाज ये मार्च आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के विरोध में निकाल रहा है। आपको बता दें कि ये छात्र समाज कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर उभरा एक संगठन है, जो प्रदर्शन कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस बीच छात्रों पुलिस कर्मियों में तीखी झड़प की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल कर रही है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बनाई गई एक लोहे की दीवार भी तोड़ दी गई। प्रदर्शनकारी हावड़ा के संतरागाछी में पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। पुलिस लगातार उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। वहीं ममता सरकार ने इस मार्च को अवैध करार देते हुए कहा कि उसे शरारती तत्वों द्वारा अशांति फैलाने की खुफिया जानकारी मिली है। वहीं भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि अगर देश में तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। सच सामने आना चाहिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा, हमने देखा किस तरह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से एक जघन्य अपराध होता है। हमारी बहन, उनके साथ उनकी हत्या कर दी जाती है और बलात्कार होता है। ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगी। आज जब ममता बनर्जी तानाशाह निर्ममता बनर्जी विफल रही कि कानून व्यवस्था मजबूत रहे, हमारी बहन, हमारी माताएं सुरक्षित रहें, वो विफल रही। आपको बता दें कि आखिर नवन्ना क्या है। जहां तक मार्च निकालने को लेकर कोलकाता में एक बार फिर से बड़ा बवाल मचा हुआ है। दरअसल नवन्ना एक बिल्डिंग का नाम है और ये हावड़ा में है। प्रदेश के सचिवालय की बिल्डिंग को नवन्ना भवन कहा जाता है। अब इसके घेराव की तैयारियां हैं, जिसे देखते हुए सचिवालय की सिक्योरिटी बढ़ाकर किलेबंदी कर दी गई है। ये एक 14 मंजिला इमारत है जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के ऑफिस हैं। ये नीले और सफेद कलर की बिल्डिंग है। बताया जाता है कि इसके टॉप फ्लोर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का ऑफिस है और 13वीं मंजिल पर गृह सचिव का ऑफिस। इसके अलावा चौथे और पांचवें फ्लोर पर गृह विभाग का ऑफिस है।